हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू वेलकम टू जेके टॉपर्स सो स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ का बेल आइकन ज़रूर दबाइए ठीक है ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई भी क्लास यहाँ पे जेके एस एस बी की एंड जेके पी एस एस सी ठीक है यहाँ पे हर तरह की जो है क्लास मिलती है आपको इस चैनल पर तो इससे आपको क्या होगा आपको सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फिफ्टी वन क्वेश्चन जो है विच पेपर वॉज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय ठीक है जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा वो नीचे कमेंट सेशन में साथ साथ मेरे हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो नीचे लिखते चलिए ठीक है तो क्या पूछा गया है कि पहला पेपर कौन सा राजा राम मोहन द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था ऑप्शन देखिए आपको ए ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका बी संवाद कामुदी सी केसरी एंड डी ऑप्शन इज बम्बे न्यूज ठीक है सो so, कौन सा पेपर स्टार्ट किया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा तो वो किया गया था कौन सा ऑप्शन बी यानी कि संवाद कामुदी ठीक है ये बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन ठीक है तो साइमन कमीशन जो है ये इंडिया में कब दिखी थी ऑप्शन ए आपको देता है 1927 एडी बी 1928 ट्वेंटी एट ए डी एंड सी नाइनटीन थर्टी और डी ऑप्शन है आपके पास 1942 फोर्टी ठीक है सो so, चार ऑप्शन आपके पास आगे बिल्कुल सही आंसर जो है यानी कि ऑप्शन ए 1927 ट्वेंटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछता है हु वॉज द लास्ट विकर्सी ऑफ इंडिया ठीक है सो लास्ट वर्सी बतानी है हमें इंडिया की कौन सी है वो लॉर्ड माउंट बैटन बी लॉर्ड लॉरेंस सी लॉर्ड वेवल एंड डी नन ऑफ दीज ठीक है तो सही आंसर जो है आपका यानी कि ए ठीक है ए जो है लॉर्ड माउंट बैटन ठीक है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम विद विच दी वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 कनेक्टेड ठीक है So, कौन था इसके साथ कनेक्ट ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म थे बी हेल्थ सर्विस थी सी एजुकेशन या डी पुलिस तो वो थी आपके साथ इसके साथ कनेक्ट कौन एजुकेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास हु ऑर्गेनाइज द स्वराज दल डाल आफ्टर अपोजिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है ये किसने ऑर्गेनाइज किया था ऑप्शन ए सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू एंड लाला लाजपत राय ठीक है ऑप्शन मैं आपको इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको जो है पता चल जाए सही आंसर कौन सा है सी ऑप्शन आपके पास सी आर दास एंड एस सी बोस या डी आपके पास रास बिहारी बोस एंड मनमाथ नाथ गुप्ता ठीक है तो सही आंसर आपको एक सही आंसर बताना है तो वो है आपका कौन सा ऑप्शन ए सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु एबोलाइज द ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ठीक है अब यहां पर यानी कि बंगाल में जो ड्यूल गवर्नमेंट किसने एबोलाइज की थी ऑप्शन देखिए आपको देते हैं चार ऑप्शन ए ऑप्शन है आपके पास कॉर्नवेलिस बी ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव सी ऑप्शन है वेरिन हैस्टिंग्स डी ऑप्शन आपको देता है जॉन मैकफेरसन ठीक है तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वेरिन ठीक है इन्होंने क्या किया था बंगाल में जो है यानी कि डबल जो है ड्यूल गवर्नमेंट एबोलाइज की थी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिफ्टी सेवेंथ क्वेश्चन आ जाता है आपके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन टूक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लाउस एक्स वी वन इन ठीक है तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी ये कौन सी जगह पे हुई थी ठीक है ऑप्शन तो आपको देता है ए डी सेवनटीन सेवनटी सिक्स या एटीन एटी नाइन ए डी ऑप्शन सी ए डी सेवनटीन एटी नाइन एंड डी ऑप्शन आपको देता है ए डी एटीन सेवनटी सिक्स ठीक है सो तो चार ऑप्शन आपके पास आ गए सो so, जिसको इसका सही आंसर आता है वो नीचे कमेंट्स करके लिख सकता है कि मैम ये सही आंसर है तो फिर मैं आपको चलो सही आंसर बताती हूँ सही आंसर है आपका सी ए डी सेवनटीन एटी नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यह भी क्वेश्चन सबको पता होगा क्योंकि मैंने साइंस का टॉपिक करवा रही हूँ साथ साथ में जिसने वो क्लास ली होगी तो उनको ये सब आता होगा साइंस का ठीक है तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है? पूछता है आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल ऑफ इंडिया इज ठीक है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सॉइल है इंडिया की वो कौन सी है वो है आपकी कौन सी बी यानी कि अल्यूवल सॉइल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है विच ऑफ फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ठीक है अब आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सी स्ट्रेटजीज़ है जो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं करती है किसमें कम्युनिटी में ऑप्शन ए बताता है आपको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बी बीज बचाओ आंदोलन ठीक है सी चिपको मूवमेंट एंड डी आपके पास आ जाता है डेमारकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो सही आंसर क्या हो जाएगा डी यानी कि डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये क्या करती है डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं करती है कहाँ कम्युनिटी में ओके okay? नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट आपके वो पूछता है क्वेश्चन सिक्सटी क्वेश्चन जो है हमारे पास हीराकुंड डैम इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ठीक है सो so कौन सी स्टेट में है जो हीराकुंड डैम है ऑप्शन uh, ए आपको बत, बोलता है आंध्र प्रदेश में है जो हीराकुंड डैम है बी वेस्ट बंगाल में है सी ओडिशा में एंड डी आपके पास आता है तमिलनाडु ठीक है तो चार ऑप्शन आपके पास आ गए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है सी यानी कि कहाँ पर है ये कौन सी स्टेट में है ओडिशा ठीक है जो हीराकुंड डैम है ये है आपका ओडिशा में नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आपके पास आता है रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कार्ड एज ऑप्शन ए पिस्की कल्चर ऑप्शन बी एग्रीकल्चर सी सिल्वीकल्चर एंड डी कल्चर ठीक है तो क्या कहा जाता है ऑप्शन आपको दिए गए हैं बिल्कुल सही आंसर जो है तो उसको बता देते हैं हम डी यानी कि सैरिकल्चर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है दी कोडरमा गाया हज़ीरबाग बेल्ट दी झारखंड इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ठीक है जो वहाँ पर एक यानी कि क्या है जारखंड में कोडरमा गाया हज़ीरबाग है वहाँ पर वो क्या चीज़ वहाँ पे यानी कि प्रोड्यूस करते हैं तो वो आपके पास ऑप्शन आता है कॉपर बी आता है मैग्नीज सी आता है आयरन और एंड डी आता है आपके पास मीका ठीक है तो क्या चीज की वहां पर प्रोड्यूस होता है वो होता है आपका ऑप्शन डी मीका ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एटमोसफेरिक अजोन आर ठीक है सो so, इसका मेजरमेंट का जो यूनिट है उसका आपको अमाउंट बताना है कितना होता है एटमोसफेरिक अजोन आर ऑप्शन ए डेसीबल्स बी रिस्टर यूनिट सी डॉब्सन यूनिट एंड डी आपके पास आता है फोटोन यूनिट ठीक है तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी डॉब्सन यूनिट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स टी ठीक है अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि राइट टू वोट अडल्ट सिटीजन या राइट टू वोट बाय अडल्ट सिटीजन ठीक है या राइट टू वोट बाय ऑल मैन या राइट टू वोट बाय ऑल सिटीजन तो सही आंसर क्या है ऑप्शन बी यानी कि राइट टू वोट बाय अडल्ट सिटीजन ठीक है ये किसका मतलब है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है राइट टू वोट बाय अडल्ट सिटीजन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपको वन मैन वन वोट इज आल्सो कॉल्ड एज दी प्रिंसिपल ऑफ देखिए कहा गया क्या गया है कि एक आदमी जो है वो एक ही वोट दे सकता है और उसको भी क्या कहा जाता है ये कौन सा प्रिंसिपल है ऑप्शन देखिए आपको दिए जाते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑप्शन ए ऑप्शन बी पॉलिटिकल फ्रीडम एंड सी इकोनॉमिक फ्रीडम एंड डी ऑप्शन पास आ जाता है इकोनॉमिक इक्वलिटी ठीक है तो वन मैन वन वोट जो है ये कौन सा प्रिंसिपल है आपके पास ये है आपके पास कौन सा पॉलिटिकल इक्वलिटी नेक्स्ट आपके पास आता है देखिए यहां पर कंडीशन फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉगनाइज एज अ नेशनल पार्टी इज ऑप्शन इज ए ऑप्शन आपको बोलता है इट मस्ट सिक्योर एट लीस्ट सिक्स परसेंट ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन इन फोर स्टेट ठीक है बी इट मस्ट विन एट लीस्ट फोर सीट्स इन दोकसभा सी बोथ ऑफ दीज यानि कि ए एंड बी एंड डी आपके पास नन ऑफ दीज या इनमें से कोई भी नहीं ठीक है तो क्वेश्चन ये आपको पूछता है तो सही आंसर क्या है आपके पास सही आंसर है बोथ ऑफ दीज यानी कि इट मस्ट सिक्वेर एट लीस्ट सिक्स परसेंट ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और या असेंबली इलेक्शन इन फोर स्टेट्स ठीक है और बी इट मस्ट विन एट लीस्ट फोर सीट्स इन लोकसभा ठीक है सो बोथ ऑफ दीज मतलब ऑप्शन ए एंड बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चलते हैं बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास विच वन ऑफ the following कंट्रीज हैज़ विटो पावर इन सिक्योरिटी Council? ठीक है ऑप्शन में से आपको जो बताना है कि कौन सी कंट्री जो है वो वीटो पावर है किसमें सिक्योरिटी काउंसिल में ऑप्शन आपके पास दिया जाता है ए इंडिया बी ऑस्ट्रेलिया सी चाइना एंड डी जर्मनी ठीक है चार ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं तो सही आंसर मैं आपको बताती हूँ सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि चाइना ठीक है साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तभी आपको रिवीजन होगी वरना आप भूल जाओगे साथ साथ में नोटबुक अपने पास रखिए पेन अपने पास रखिए अगर आपको नहीं कॉपी पेन अपने साथ रखना है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भी यहाँ पे कर सकते हो ठीक है व्हाट इज जीरो और ठीक है जीरो और जो है वो क्या है ऑप्शन देखिए आपको दिए जाते हैं ऑप्शन ए जो है वैन दी प्रपोजल्स ऑफ दी अपोजिशन आर कंसिडर ऑप्शन बी आपको बोलता है वैन मैटर्स ऑफ अट मोस्ट इम्पोर्टेंस आर रेस्ड ऑप्शन बी सी सॉरी इंटरवल बिटवीन दी मॉर्निंग एंड आफ्टरनून सेशन या डी ऑप के पास आता है वैन अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन दोकसभा ठीक है तो ज़ीरो हॉर क्या है वो है आपके पास जब मैटर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है ऑफ अट मोस्ट इम्पोर्टेंट आर रेस्ड ठीक है ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हु इज द एक्सो ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो वो कौन है एक्सो ऑफिसो वो है आपके कौन बी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछते हैं सेवेंटी क्वेश्चन जो है व्हाट इज दी पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वॉटर ठीक है सो प्योर वॉटर की जो है यानी कि पीएच वैल्यू क्या है वो है आपकी ऑप्शन सी यानी कि सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज ट्वेंटी सेंटीमीटर इट्स पावर इज देखिए अगर आपको फोकल लेंथ दी है कन्वेक्स लेंस की ट्वेंटी सेंटीमीटर सो इसकी पावर क्या होगी वो होगी आपकी पावर ऑप्शन सी प्लस फाइव डी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वाइट टफ लेयर ऑफ द आई इज कार्ड ठीक है आपकी आई का जो वाइट लेयर है ठीक है उसे क्या कहते हैं ऑप्शन ए स्कैलरिया, ऑप्शन बी कॉरिड ऑप्शन सी कॉर्निया एंड ऑप्शन डी कंजक्टिवा ठीक है तो ऑप्शन जो है आपके पास वो है स्केलरिया ठीक है ये आपकी कौन सी आ गई आई की जो वाइट टफ लेयर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द मटीरियल यूज फॉर मेकिंग द बल्ब फिलामेंट इज ठीक है अब बल्ब को यानी कि बल्ब फिलामेंट के लिए कौन सा मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है ऑप्शन ए आपके पास है कॉपर एंड ऑप्शन बी जो है अलमुनीयम ठीक है ऑप्शन सी क्या है टंगस्टन एंड ऑप्शन डी जो है वो है आपके पास आयरन ठीक है तो क्या है आपके आपको मैंने ऑप्शन दे दिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यानी कि सी टंगस्टन ठीक है अगर पूछा जाए कि जो हाँ बल्ब है ठीक है बल्ब में जो यानी कि कौन सी गैस जो है वो उसमें फिल होती है ठीक है कौन सी गैस बल्ब में होती है तो वो होती है आपके पास कौन सी क्या लिखा है नाइट्रोजन ठीक है नाइट्रोजन गैस जो है वो बल्ब में आपके होती है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एट सेंटर ऑफ मैग्नेट मैग्नेटिज्म इज ठीक है मैग्नेट के सेंटर में जो है मैग्नेटिज्म उसको क्या कहते हैं ऑप्शन ए मैक्सिमम है मिनिमम है जीरो है, है या सेम एज एट पोल्स ठीक है तो क्या है आपका ऑप्शन सही आंसर जो है यानी कि जीरो ठीक है सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास न्यूक्लियर फीजन इज दी अब न्यूक्लियर फाइजन जो है ये क्या है ऑप्शन ए ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हायर एटम्स विद रिलीज ऑफ एनर्जी ठीक है आपको ऑप्शन भी बता रही हूं मैं ए बी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टावर एटम्स सी फ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स डी नन ऑफ दी अबव ठीक है सो so, चार ऑप्शन आपको दिए हैं इसमें से आपको जो है एक सही करना है तो वो कौन सा हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ए यानी कि ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हायर एटम्स विद रिलीज ऑफ एनर्जी ठीक है नेक्स्ट कर लेते हैं द डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज एन एग्जाम्पल आपको वहां उसकी एग्जाम्पल बतानी है जो हमारा जो यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो फूड है वो जब डाइजेस्ट होता है उसकी एक एग्जाम्पल बतानी है ऑप्शन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन C displacement reaction and D all of these. ठीक है सही आंसर ए यानी कि डी कम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेवेंटी सेवंथ क्वेश्चन जो है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हुज फर्स्ट शेल इज कम्प्लीट एंड हैज नॉट अदर शेल आर ऑर्बिट द अगर आपको पूरी डेफिनेशन दी है सो तो ये कौन सा एटम की डेफिनेशन जो है आपको दी है ऑप्शन ए सोडियम हेलियम क्लोराइन या हाइड्रोजन ठीक है तो सही आंसर यानी कि आपका हो जाएगा बी हेलियम की जो है ये हेलियम एटम है ठीक है इसका कोई भी यानी कि इसका शेल नहीं होता है नेक्स्ट आपके पास आता है सेवनटी एट ब्राज इज एन एलोए ऑफ ठीक है ब्रास जो है वो क्या है कॉपर एंड टिन है या कॉपर एंड जिंक है या कॉपर एंड अलूमिनियम या आयरन एंड कार्बन तो सही आंसर क्या है आपका इसमें ऑप्शन बी कॉपर एंड जिंक ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है इस क्वेश्चन का आंसर भी सबको पता होगा कि ह्यूमन बॉडी का जो है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है कौन सा होता है पेनक्रियाज लीवर सेलिवरी ग्लैंड या नन ठीक है तो वो होता है आपका लार्जेस्ट सबसे बी यानी कि लीवर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सिस्टोलिक एंड डाइस्टोलिक प्रेशर फॉर हेल्थी हर्ट इज ठीक है सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर जो है ये जो हेल्थी है हर्ट के लिए कितना होना चाहिए आपका प्रेशर इसका ठीक है तो इसका प्रेशर जो है यानी कि 80 टू वन ट्वेंटी के अंदर ये होना चाहिए ठीक है वन ट्वेंटी हाई एटी के अंदर ये होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट है आपके पास पेस मेकर इज रिक्वायर्ड फॉर पेस मेकर जो है ये किसके लिए यानी कि रिक्वायर्ड बहुत ही जरूरी है ट्रांसप्लांटिंग ब्लड के लिए या ट्रांसप्लांटिंग हार्ट के लिए या सी इज इनिटेशन ऑफ हार्ट बीट के लिए ठीक है और डी ऑप्शन क्या है आपके पास रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो ठीक है तो क्या है इसका सही आंसर ऑप्शन सी इनिटेशन ऑफ हार्ट बीट के लिए ये पेसमेकर जो है ये बहुत ही रिक्वायर्ड यानी कि रिक्वायरमेंट इसकी यहाँ पर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है एटी टू क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप स्टूडेंट्स मुझे देंगे ठीक है पता सबको है लेकिन इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप स्टूडेंट्स मुझे दीजिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एटी थ्री क्वेश्चन जो है विच बुक वॉज रिटर्न बाय चार्लिस टारविन ठीक है अब ये जो बुक है यानी कि जो किसके द्वारा लिखी गई है चार्लिस टारविन के लिए सो so, वो कौन सी बुक है ऑप्शन ए ओरिजिन ऑफ स्पीश बी स्पीशीज प्लान्ट्रम सी गनेरिया प्लैंट्रम एंड डी जो है आपके पास डी नेट्रियन फैमिलियन ठीक है तो ये है आपके पास ऑप्शन ए यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये जो बुक लिखी गई है ये किसने लिखी गई है चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है ये लिखी गई है ठीक है बुक का नाम याद रखिएगा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मेजर एयर पल्यूटेंट इज ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू जो है नाइट्रोजन एस्ट्रो जो है सोडियम कार्बोनेट ठीक है टू जो है वो आपका आ गया वाटर ठीक है तो क्या है इसका सही आंसर आपका आपका सही आंसर जो है यानी कि सी एस ओ टू ठीक है ये क्या है मेजर एयर पोल्यूटेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछता है चिपको आंदोलन वाज स्टार्टेड टू सेव दी चिपको आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तब क्या चीज को बोला गया था कि इस चीज़ को जो है सेव रखना है ऑप्शन गंगा रिवर गंगा रिवर नर्मदा फॉरेस्ट या डल लेक ठीक है तो क्या बोला गया था यानी कि सेव करना है क्या सी यानी कि फॉरेस्ट ठीक है ये आपका जब चिपको चिपको आंदोलन जो है ये स्टार्ट हुआ था तब की ये बात की है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आपको आ जाता है सोहन वॉक्स थर्टी किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ ठीक है सोहन जो है वो क्या करता है यानी कि वॉक करता है थर्टी किलोमीटर साउथ की तरफ एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक फिफ्टी किलोमीटर जब वो क्या करता है उसी से यानी कि जो उसका साउथ साइड पड़ता है उससे अगर उसने लेफ्ट लिया तो वो फिर चला कितना फिफ्टी किलोमीटर ठीक है तो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है अगर थर्टी उसने चला है फिफ्टी वो वापस हुआ है तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी ठीक है ऑप्शन आगे बदलता बोलता है आपको आफ्टर दैट ही वॉक्स टेन किलोमीटर ठीक है और फिर वो क्या करता है वॉक करता है टेन किलोमीटर आगे जाता है ठीक है बचा कितना पीछे वहां पर टेन देन आपको आता है नॉर्थ देन ही टेक्स और लेफ्ट अब वो नॉर्थ साइड से जो है यानी कि वहाँ से क्या करता है लेफ़्ट लेता है और वॉक करता है फिफ्टी किलोमीटर मोर ठीक है अब वहाँ से जो है वो फिफ्टी किलोमीटर और चलता है फिर उसका जो है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसका वो वहाँ से कितनी दूर है ठीक है कितने किलोमीटर जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट से वो दूर है ठीक है सो so, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सही यानी कि सी ट्वेंटी किलोमीटर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास देखिए यहाँ पे क्या पूछा जाता है आपको इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम दी गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट वर्ड विच नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग दी लेटर्स ऑफ दी गिवन वर्ड ठीक है अब इसमें क्या करना है आपको इसमें देखना है कि जैसे यहाँ पे क्रिसमस लिखा है ठीक है क्रिसमस जो लिखा है यहाँ पर आपको दिए गए हैं ये यह देखिए यहाँ पर यह आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं अब इसमें से जो है आपको क्या चीज़ नहीं बन रही है ठीक है देखो यहाँ पे तो क्रिस्ट भी बनता है ठीक है देखो सी एच आर आई एस टी बन गया क्रस्ट भी बनता है ठीक है क्रस्ट बनता है देखो स्मार्ट स्मार्ट भी बनता है यहाँ पे एस भी है एम भी है ए भी है आर भी है और टी भी है ठीक है हम एच भी है ए भी है आर भी है और एम भी है ठीक है बचा क्या आपके पास ऑप्शन सी यानी कि सी आर यू एस टी ठीक है अब यहाँ पे देखो सी भी है ठीक है आर भी है यू है नहीं है एस है हाँ टी है यस तो ये हो गया यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है करस्ट आपके पास नहीं है ठीक है ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पर वेन डायग्राम जो कि आपको वेन डायग्राम का भी एक दो मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा एटी क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई दी डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट दी रिलेशनशिप अमंग दी गिवन क्लासेस ठीक है रिलेशनशिप बताना है आपको इसका क्रॉकरी कप और प्लेट ठीक है इसका आपको रिलेशनशिप बताना है देखिए ये आ गई आपके पास क्रॉकरी ठीक है क्रॉकरी जो है वो बड़ी होती है देन उसके बाद आ गया आपका कप अलग है और प्लेट अलग है अब ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है अब ये ऑप्शन ए तो नहीं आएगा क्योंकि क्रॉकरी और कप और प्लेट नहीं आ सकता यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये भी नहीं आएगा और डी ऑप्शन आ गया क्रॉकरी कप और प्लेट ये सब यहाँ पर नहीं आएगा ऑप्शन बी यानी कि क्या आएगा ऑप्शन बी ठीक है ऑप्शन बी आपका जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर आपको क्या करना है रिलेटेड वर्ड बताने हैं इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्टेड द रिलेटेड वर्ड गिवन वर्ड फ्रॉम दी गिवन अल्टरनेटिवस देखो पेन का बनाया पेपर ठीक है अब हैमर का क्या होगा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है सिर्फ दिमाग लगाने वाली बात है नेल क्रशिंग स्ट्राइक या होल ठीक है पेन का, का काम क्या है ठीक है पेन का काम क्या है वो पेपर पे लिखता है ठीक है अब हैमर जो है यानी कि जो है वो क्या करेगा नेल करेगा ठीक है यानी की कि वो कील जो हो है ठीक है क्रशिंग या स्ट्राइक या होल ठीक है तो क्या हो जाएगा यानी कि ए ठीक है नेल ठीक है हैमर का काम जो है वो है नेल का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है नाइनटीथ क्वेश्चन जो है आपके पास ठीक है इन फॉलोइंग क्वेश्चंस सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम दी गिवन अल्टरनेटिव ठीक है अब आपको यहाँ पर जो है यहां पर भी आपको रिलेटेड नंबर्स करना है ठीक है जो आपको यहाँ पे दिए हैं ये देखिए यहाँ पे ठीक है अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे किया है इसका सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ इसका सही आंसर जो है वन एटी एट ठीक है वन एटी एट जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है नाइन्टी वन क्वेश्चन जो है इन फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट दी ऑड वर्ड फ्रॉम दी गिवन आल्टरनेटिव ठीक है अब इनमें जो हमें दिया है ऑप्शन में से इनमें से ऑड वर्ड ढूंढना है ठीक है ए मैरीगोल्ड बी टुलिप सी लोटस और डी जो है वो आ गया आपके पास रोज रोज ठीक है तो क्या है इसमें आपका जो ऑड वर्ड है वो है आपका टुलिप ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी है ये देखिए स्टेटमेंट यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कहता है आल बुक्स आर ब्राउन सेकेंड पॉइंट कहता है आल ब्राउन आर वुड और ये आपको यहाँ पर जो है कंक्लूज़न दिया गया है यानी कि सम बुक्स आर वुड ठीक है कुछ बुक जो है वो लकड़ी हैं या कुछ बुक जो है वो लकड़ी नहीं है अब आपको ऑप्शन देते हैं और चार ऑप्शन ठीक है आ जाते हैं आपके पास चार ऑप्शन ऑप्शन ए ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज बी ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज या बोथ या ये दोनों है या इन दोनों में से कोई भी नहीं है ठीक है तो क्या होगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए कंक्लूजन ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज ठीक है जो कि आपको दिया है सम बुक्स आर वुड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है यहां पर ज ए सी आई डी इज रिटन बी डी जे ई ठीक है देखो एसिड को जो है इन्होंने लिखा है बी डी जे ई और यहाँ पर जो बेक है वो कैसे लिखना है ठीक है तो कोड लैंग्वेज की जो हमारी यानी कि कोडिंग डिकोडिंग जो है वो हमारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, जिसने वो देखी होगी क्लास तो उस स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये यह क्वेश्चन आता होगा ठीक है यहाँ पर जो है एसिड ठीक है यहाँ पर देखते हैं ए सी आई डी एसिड को क्या लिखा है इन्होंने बी डी जे ई ठीक है हमें क्या करना है हमें पूछा है बेक का बी ए के ई ठीक है यहाँ पे क्या किया है ए और बी लिखा है अब हम यहाँ पर बी है तो बी का हम आगे क्या आएगा सी लिख देंगे फिर लिखा है यहाँ पर सी और डी ठीक है जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे ही करना है आपको सी डी ए के आगे क्या आएगा, आएगा आपका बी ठीक है फिर आपके पास आता है आई डी सॉरी आई जे ठीक है ये यहां पर है आई और जे ठीक है फिर यहां पर आगे आपका के और यहां पे लाएंगे हम एल फिर यहां आ आगे आपका यहां पर ये जैसे किया है डी और ई डी के आगे आता है ई अब ई के आगे जो है वो आता है आपका एफ ठीक है सी बी एल एफ जो है ये आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ठीक है समझ आ गई इरेज कर दूं चलिए रे कर देते हैं इसको तो बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन आपके पास बी सी बी एल एफ देखिए ठीक है यहाँ पर जो है यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा लिखा है ए बी ठीक है सी डी आई के आगे क्या आता है जे और डी के आगे क्या आता है ई e, ठीक है वैसे ही सेम बी के आगे सी ए के आगे बी के आगे एल और ई e के आगे जो है आपके पास एफ ठीक है ये जो है ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नाइन्टी फोर क्वेश्चन है इन अ रो ऑफ सेवेंटी टू स्टूडेंट्स ठीक है देखिए एक रो में जो है वहाँ पर जो है सेवेंटी टू स्टूडेंट्स हैं ठीक है थर्टी फोर्थ अगर वहाँ से लेफ्ट हो जाता है थर्टी फोर्थ वहाँ से अगर लेफ्ट हो जाता है तो उसकी जो राइट right एंड है यानी कि राइट साइड जो है उसकी वो कौन सी जगह पर पड़ती है कौन से नंबर पर पड़ती है वो है आपके पास कौन सी ऑप्शन डी थर्टी नाइन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए फ्रॉम गिवन आंसर फिगर्स सेलेक्ट दी वन इन विच दी क्वेश्चन फिगर इज हाइडन एम्बेडेड ठीक है आपको ये क्वेश्चन दिया गया है ठीक है ध्यान से देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया है अब देखिए आंसर फिगर में जो है वो वहां पर जो है आपको ये सिलेक्ट यानी कि कंप्लीट करना है तो ये आपके पास आ जाता है जूम थोड़ा कम कर देते हैं ताकि आपको दिखे यहां पर ठीक है अब यहाँ पर जो है ये किस तरह की जो है ये आप बना लीजिए पहले ठीक है तो यहां पर जो है ये किस तरह की आपके पास जो है जो आपके पास आंसर फिगर होगी कौन सी सही होगी ठीक है तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन डी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं नाइन्टी सिक्स क्वेश्चन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है अगर यानी कि किसके अगेंस्ट जो है राइट है किसका ठीक है राइट दिया गया है आर्टिकल कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा आर्टिकल में ये दिया गया है आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल सही आंसर हम बताते हैं आपको तो सही आंसर जो है आर्टिकल ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन पेट्रोल स्टील नाइट्रोजन या कैरोसिन ऑयल ऑप्शन बी यानी कि स्टील नेक्स्ट आपके पास इन विच सिटी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड ठीक है सो so, डब्ल्यू जो है इसका जो कौन सी जगह यानी कि कौन सी सिटी में जो है हेडक्वार्टर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सो so वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि गनेवा ठीक है नेक्स्ट आता है आपके पास इसका ऑथर कौन है यानी कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो के जो ऑथर हैं इस बुक के वो कौन है वो है आपके कौन स्टेफन हैकिंग ठीक है चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है यानी कि हमारी जो पहली लेडी है इंडियन स्टेट की तो वो कौन है आपकी फर्स्ट लेडी गवर्नर है ऑप्शन थी कौन सी थी वो ऑप्शन ए मिस पद्माजा नायडू बी मिसिज सरोजनी नायडू मिसिज सुचेता कृपालिनी एंड डी मिसिज तारकेश्वरी सिन्हा ऑप्शन बी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा यानी कि सरोजनी नायडू जो है ये हमारी इंडिया स्टेट की पहली गवर्नर रह चुकी थी ठीक है ठीक है सो so, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाय बाय टेक केयर